Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT where we discuss about time management because I think chahe aap school ja rahe ho, chahe aap dropper ho ya fir aap kaise bhi dummy admission ke saath pe kaam kar rahe ho, but time management is something that all of us struggles with, hai na? Kuch bhi point ho jaye, jaise hum log kai bar bolte hai ki school jane mein time hi nahi bachta CLAT ke liye prepare karne ka. कई बार हम लोग ड्रॉपर होते हैं लेकिन हम बोलते हैं कि हम लोगों को सुबह से प्लान ही नहीं हो पाता हमारे दिमाग में 5-6 चीज़ें करने के लिए, लेकिन वो एक भी दिन में ढंग से नहीं हो पाती बिकॉज हम एकदम खिचड़ी बन जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्यों हमें करना चाहिए टू बी एबल टू डू वेल इन क्लैट और किस तरह से करना चाहिए, राइट? तो आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द 12th गोइंग स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर स्टेइंग होम प्रिपेयरिंग, मतलब इट कुड बी ड्रॉपर्स और डमी स्टूडेंट जिनका शेड्यूल मोर ऑर लेस सेम ही रहता है. फर्स्टली अगर आप ये देखोगे कि हम लोग स्कूल को जो प्रेफरेंस दे रहे हैं ना यहाँ पे कि हम लोग को स्कूल जाना पड़ता है, एंड आई अंडरस्टैंड क्योंकि सारे फ्रेंड्स हमारे स्कूल जा रहे हैं वो 12th को फोकस कर रहे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं 12th पे फोकस करो, टीचर्स स्कूल में बोल रहे हैं कि 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो वो माहौल हमारे आसपास ऐसा बना हुआ है जहाँ पर हमको लगता है कि 12th इज सो इंपॉर्टेंट यार, ये तो अच्छे से करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए. देखो इसमें मैं आपको दो फैक्टर्स बताता हूँ कि क्यों हम क्लैट को प्रायोरिटी देंगे इफ वी आर अ सीरियस क्लैट एस्पिरेंट ओवर 12th. फर्स्ट इज आजकल 12th के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग रह गए, है ना? सबको ये बात पता है. पहले 12th के बेसिस पर आपको अच्छे परसेंटेज आते थे, DU के अच्छे कॉलेजेस मिला करते थे और भी इंडिया के कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन्स हुआ करते थे. आजकल तो वो सब रहा ही नहीं है, है ना? वी डोंट हैव एनी ऑफ दैट राइट नाउ. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको वो क्वालिफाइंग नंबर है. मैं ये नहीं बोल रहा कि 45% ले आओ, मतलब 45% क्वालिफाइंग है तो ये नहीं, लेकिन अगर आप 12th में फोकस करोगे तो आपका क्लैट का फोकस हट जाएगा और वहां पर आपको आगे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा कुछ क्लियर करने के लिए. तो क्यों ना अभी हम दिसंबर में एक एग्जाम दें, उसको अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद हमारे पास 3 महीने 12th के लिए बच जाएंगे, है ना? दिस इज माय सेकंड पॉइंट कि मतलब 3 महीने हमारे पास रहेंगे. आप 3 महीने में चाहे आप PCM हो, चाहे PCMB हो, PCB हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आराम से सब लोग अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन बचेगा ही नहीं. बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स की जो लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनका क्लियर हो गया था, दे वेंट टू टॉप 5 टॉप 7 NLU, वो बता रहे थे कि जब वो लोगों ने मतलब 12th के साथ जगल करना क्लैट उनके लिए भी डिफिकल्ट था, बट वेन दे वर एबल टू क्लियर क्लैट बहुत ईजी हो गई उनकी लाइफ, क्योंकि उनको बोर्ड के लिए पढ़ना था उनको पता है, बट उनको इतनी टेंशन नहीं होगी, उनको पता है कि 45% सबके आते ही आते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग, है ना, मतलब वी गोइंग टू अ गुड प्लेस नाउ. तो बोर्ड का आपको प्रेशर नहीं है फिर उसके बाद में अगर आपका क्लैट क्लियर हुआ है तो. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बोर्ड खत्म होते हैं तो 3-4 महीने फुल फ्री मिलते हैं, कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, राइट? तो वो बहुत अच्छा एक विंडो मिलता है वेर यू कैन कंप्लीटली गेट रिफ्रेश फॉर द नेक्स्ट 5 years. आप बस वो प्लान करते हो कि आपको कॉलेज जाकर क्या करना है, आप नई नई चीजें काफी ज्यादा करने लग जाते हो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज क्लैट विल बी योर प्रायोरिटी एंड स्कूल हैज टू बिकम अ सेकंड प्रायोरिटी. इफ योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज शो देम दिस वीडियो विद दिस लॉजिक कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं. ऐसे बिना बात के नहीं बोल रहे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू क्लैट इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं आपको लॉजिकली ये बात बता रहा हूँ. स्कूल टीचर्स विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, उनको आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी समझा दो, बिकॉज उनको स्कूल का रिजल्ट चाहिए. उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लैट में क्या रैंक ला रहे हो और क्या कर रहे हो, दे डोंट केयर अबाउट इट, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली क्या ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके लिए एक तरह से कह सकते हो कि हेल्प करेगा आपको ज्यादा इन योर करियर, इन योर यू कुड से क्लियरेंस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सो ऑन. नाउ व्हेन वी गो टू स्कूल, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली स्कूल जाना बंद कर दो, बट हम उसको कम कर सकते हैं. मान लो कोई ऐसा इंसान है जो 6 दिन स्कूल जाता है, उसका 6 दिन होता है स्कूल, या कुछ लोगों का 5 दिन भी होता है, तो 5 दिन वाले मेक इट 3 days, 6 days वाले मेक इट 4 days. अब वो जो आपको 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, उसमें सिर्फ क्लैट का प्रिपरेशन करो एंड यू विल गेट मोर टाइम टू डू मॉक टेस्ट, अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, आपका कुछ बैकलॉग होगा, कुछ वीक सब्जेक्ट होंगे मैथ्स वगैरह, वो सब करने का टाइम उस समय आपको मिलेगा, है ना? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना. आप मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम. जब तक हम चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं ना, वी विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन क्लैट. अगर वो 120 नंबर का है ना, तो भी मैं आपको पता है कुछ स्किल्स बताता हूँ जो क्लैट एस्पिरेंट की होती है. एक तो हम सबको पता होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स अ स्किल, है ना? हमको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, वो तो एवरी बडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वुड नो अबाउट इट. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड मैनेजमेंट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी, जब आप कोई मॉक टेस्ट या एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो तो भी, क्योंकि आपको ये देखना है कि मेरे को पर सेक्शन में टाइम कितना देना है. आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 से 120 किया गया, दैट मेक्स इट फ्रेंडली, बट दैट डजंट मेक इट वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज अब कट ऑफ के साथ क्या होगा कि वो एकदम डाउन नहीं जाएगी, वो ऑलमोस्ट उतनी रहेगी, 5-7-10 नंबर मैक्सिमम बोल सकते हो कम होगी, लेकिन क्वेश्चन तो 30 कम हो गए.
तो इसीलिए यू हैव टू बी डेड एक्यूरेट, और उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये चीजें करना मतलब बहुत रेलेवेंट है, इट्स नॉट समथिंग जो आपको अपने आप आ जाएगा कि अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं ना। हमारा जो थोड़ा सा आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब जो चीजें है ना, ये पता है कैसे सॉर्ट होती है? देखो, मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है, दिस अप्लाइज फॉर बोथ इफ यू आर अ ड्रॉपर और अ डमी स्टूडेंट और इवन अ ट्वेल्थ गोइंग स्टूडेंट, कि हम लोग 5-6 महीने का प्लान बना के सोचते हैं कि यार ये हो भी पाएगा ये नहीं हो पाएगा, है ना। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी कि सर 5 महीने में पॉसिबल है, इतने टाइम में पॉसिबल है, उतने टाइम में पॉसिबल है। अब मैं उनको कई बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 5 महीने की जर्नी देखोगे और आप एकदम से सिलेबस को देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कितना सारा कुछ करने को है ना, पुराना भी करना है, नया भी करना है, आगे प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे होगा। लेकिन आप ये समझो कि आप एक दिन में ना कुछ लिमिटेड चीजें कर सकते हो। जैसे एक दिन में आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कुछ मॉक टेस्ट कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट कर लिया, नहीं मॉक टेस्ट किया तो सेक्शनल टेस्ट किया उस दिन, है ना। आपने अपने बैकलॉग थोड़े कवर किए, कुछ अगर क्लासेस है तो वो देख सकते हो। तो कुछ चीजें हैं, 5-6 टास्क हैं एक दिन की, वो लिख सकते हो और एक दिन में सिर्फ उनको एकम्प्लिश करने की कोशिश करो, रादर देन थिंकिंग अबाउट 5 मंथ्स डाउन द लाइन। 5 महीने में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है हमें पता ही नहीं है। लेट थिंक अबाउट टुडे, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो ना, इसके 24 आवर्स का प्लान बनाओ कि मुझे अब क्या करना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर लेजर में बिताना है, कितनी देर खाना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, वो आप प्लान भी कर पाओगे क्योंकि वो आपके कंट्रोल में, वो छोटा पीरियड ऑफ टाइम है। और जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोज में भी देखा होगा, मैंने आपको शेड्यूल बनाने के लिए बोला है ना। शेड्यूल का क्या मतलब होता है कि ये नहीं कि मैं 2 से 4 ये करूंगा या फिर मैं 5 से 6 ये करूंगा, ऐसे फिक्स टाइम नहीं, दिन की 4-5 टास्क। वो 4-5 टास्क जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो 4-5 टास्क में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मतलब ये मुझे आज आज करना है। क्योंकि देखो, ये आपको फील हुआ होगा कि जब आप क्लैट की प्रिपरेशन करने बैठते हो ना, तो डिस्पाइट हैविंग गुड इंटेंशन कि आपने रात को सोचा था पढ़ना है, सुबह उठ के वापस सोचा था अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने बैठे भी, लेकिन अब कितना सारा करना है इससे हमारा दिमाग इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके पास चीज़ें लिखी हुई है ना कि पहले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर मुझे टेस्ट करना है, फिर मुझे ये चीज़ करनी है, फिर वो चीज़ करनी है, तो आपको ये पता है कि मुझे कब क्या करना है। अब पहली टास्क में आपको बाकी ये 4 टास्क याद नहीं आएगी, बिकॉज आपको पता है कि उनके लिए मेरे पास समय है दिन में। तो इसीलिए एक बहुत सिंपल सा शेड्यूल बनता है। मैं एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड की तरह पढ़ा करता था जब व्हेन आई वाज देयर, सो आई टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर माई सेल्फ। और जब मैं 7-8 दिन उस शेड्यूल को फॉलो कर पाता था ना, तो मैं उसके बाद एक दिन हाफ डे लेता था, कभी कभी क्वार्टर डे भी कर दिया करता था उसको, कि आज सिर्फ मतलब 2 घंटे पढ़ेंगे, मतलब एक चीज ही करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे कुछ भी, है ना। तो उस दिन आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लगातार 7-8 दिन आपको अपने शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप जिस दिन भी शेड्यूल के जो टास्क कर पाओ उसको टिक करते जाओ, जब आपकी 4-5 या 6 जितनी भी आपने टास्क आइडेंटिफाई करिए वो हो पा रही है तो उसको टिक करो, है ना। दैट इज योर फर्स्ट डे, और उसमें बहुत सेल्फ अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू इट, जो मैं खुद के लिए डिसाइड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आई एम एबल टू डू इट। सो दैट विल यू कुड से गिव यू लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमको इस बात से परेशान नहीं होना कि मेरे इस मॉक टेस्ट में कम आ गया, अब मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, मेरे से तो होता ही नहीं है कुछ भी, है ना। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर सो अहेड ऑफ मी, कब से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1-2 साल से, मेरे पास तो 4-5 महीने रह गए, हाउ विल आई डू इट। बिल्कुल कर पाओगे। हमको एफर्ट तो अपनी तरफ से पूरा डालना है, और आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट डालना ही है। एवरी स्टूडेंट, ऑल दैट इज देयर इन योर हैंड इज टू पुट एज मच एफर्ट एज पॉसिबल, रिजल्ट इज एनीवे नॉट इन योर हैंड्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी प्रैक्टिकली, प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। ऐसा नहीं करना है कि हमारा एक वीक सब्जेक्ट है मैथ्स तो हमें आता नहीं, बाद में करेंगे या छोड़ देते हैं, देख लेंगे, नहीं, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं। अगर आप क्लैट करना चाहते हो, आपका मन है करने का, आप किसी भी रीजन से कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, इंटरेस्ट है आपका, जो भी रीजन है, फुल अटेम्प्ट होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली एक अपन को टारगेट बना के करना है पूरे पैशन के साथ में, आधा अधूरा नहीं, मजा नहीं आता आधा अधूरे में, ना मजे हो पाते और ना हमारी पढ़ाई हो पाती है, तो कुछ तो अच्छे से होना, राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई थिंक यू गाइस वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग एन अकेडमी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस। ये स्ट्रेटजी में कई बार डिस्कस करता हूँ, लेकिन मोस्टली आई डिस्कस करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग दैट, ठीक है। 50% आपको बाकी एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपसे और भी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स की 2 क्लासेस डिस्कस करता हूँ फिक्स टाइम पे, अलग अलग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, शाम को 5 बजे और रात को 9:15। इसका फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट का एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है ना, कि हम लोग इस टाइम पर हमें ये करना ही करना है। तो अगर आपको आलस भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको क्लास में आना ही पड़ेगा, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पास्ट। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन टू टॉप 5 टॉप एनएलयूज इन द कंट्री। डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो बी द नेक्स्ट वन इन द रेस, राइट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। इफ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, डू कंसिडर कमिंग टू अनअकैडमी ऑल्सो। आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स विद यू। यू कैन इनफैक्ट यूज माई कोड ऑन अकेडमी, माई कोड इज मालपानी, यू कैन यूज इट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन अकेडमी, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर योर रिस्पेक्टिव क्लैट एग्जाम। एंड दैट्स इट, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग रियली रियली हार्ड, एंड गो फॉर इट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल लो फील नहीं करना है, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। ऑल द बेस्ट गाइस।